पठानकोट के सुजानपुर में कुछ लोगों द्वारा गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। सरेआम तलवारों और ईंट पत्थरों से गाड़ी को तोड़ते हुए गुंडागर्दी की वायरल हुई वीडियो। मामला दो गुटों में झगड़े का बताया जा रहा है। पुलिस ने सुजानपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए दोनों पक्षों पर दहशत का माहौल बनाने का मामला किया दर्ज। 12 गुंडा तत्वों के खिलाफ मामला किया दर्ज। 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पठानकोट के सुजानपुर में दो गुटों में हुए झगड़े के दौरान पूरे शहर में दहशत का माहौल देखने को मिला। गुंडा तत्वों द्वारा सरेआम तलवारों, डंडों और ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान एक गुट द्वारा तलवारों, डंडों और ईंट पत्थरों से एक गाड़ी पर हमला किया गया और गाड़ी को तोड़ा गया। गाड़ी को तोड़ने की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए दोनों पक्षों पर दहशत का माहौल फैलाने का मामला दर्ज करके 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि सुजानपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए गुंडा तत्वों द्वारा जो दहशत का माहौल बनाया गया है उस पर कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। पार्क सुजानपुर नेड़े दो पार्टियां आपस में लड़ियां सी, जिन्हां विच एक मेन बंदा हैगा सूरज, ये सांसी बरादरी ने संबंध रखता प्रेम नगर का, और दूजे पासे विनय कुमार है। इन्हां दे आपो विच काफ़ी एक साल तो आपो विच कोई अंदर खासे टसर सी, और 7 तरीक नूं भी इन्हां ने एक दूजे नूं वगार के उत्थे लड़ाई की है। एक पासे टोटल 7 बंदे सी, दूजे पासे टोटल 5 बंदे सी। इन्हों का जो आपो विच उत्थे लड़ाई हुई है, एक दूजे ने डांगा चलाइया और एक पार्टी सूरज पार्टी ने दूजी पार्टी की गड्डी भी उत्थे तोड़ी है, वो वीडियो वायरल हुई और पब्लिक ने सानू दस्या, साडे तुहाडे वर्गे मीडिया भरावां ने दस्या भी इदां दी घटना हुई है। सो आपां एक तरफा एक्शन लैंदे हुए इन्हां दे खिलाफ 150 IPC ते 160 IPC का परचा दर्ज किया, और इन्हां नू इन्हां दे विच टोटल आपां एक पार्टी दे सूरज पार्टी वालों 5 बंदे मौके पर अरैसट कर लिया, और दूजी पार्टी जिन्हां दे कि टोटल 5 बंदे है उन्हां दे 2 बंदे अरैसट कर लिए, क्योंकि इन्हां ने पब्लिक प्लेस ते इस तरह हड़कंप मचा के लड़ाई करके आम पब्लिक दे विच एक दहशत का माहौल पैदा किया और एक लॉ एंड ऑर्डर नूं बिगाड़िया। सो आपां चाहते हैं भी इन्हां जिहड़े है आम जिहड़े इस तरह के बदमाश लोग ने आम पब्लिक दे विच दहशत ना जाए, सो लॉ एंड ऑर्डर बनया रहना चाहिए। सो इस लॉ एंड ऑर्डर नूं देखते हुए लोगों के विच एक शांति का माहौल रहे, उसनों देखते हुए पुलिस ने एक तरफा एक्शन लैके अपने बिहाफ से इन्हों के खिलाफ परचा दर्ज करके इन्हों विचों एक 7 बंदे आपां अरैसट कर लिया और इन्हों के खिलाफ आपां प्रिवेंटिव मेजर का एक्शन भी लै रहे हैं।